राउटिंग कैसे करना है, इस बेस को हमें ऑक्स नंबर वन में नहीं ले जाना है। ऑक्स नंबर वन में नहीं ले जाना है तो ऑक्स नंबर वन को कर दिया हमने जीरो। देखिए चांटी हम ले गए हैं, बेस नहीं ले जाएंगे हॉर्न में। अब इसको बेस को दो नंबर में हमारा क्या है, दो नंबर में हमारा लगा है 12 इंच। 12 इंच में हम चाहते हैं कि थोड़ा हल्का सा बेस जाए, तो हल्का सा हमने इसको खोल दिया, जैसे हल्का सा चांटी खोला है, हल्का ही उसमें हमने ये डाल दिया है। अब आ जाइएगा लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट में ये प्रॉपर जाए, फुल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी लगभग सभी जितने भी डीजे और साउंड सिस्टम वाले हैं, सभी नवरात्रों में माता रानी के प्रोग्राम्स की बुकिंग के लिए सभी तैयारियां कर रहे हैं। कोई अपने सिस्टम को संवार रहा है, कोई जान रहा है कि मैं कैसे सेटिंग करूँगा, कोई सोच रहा है कि मैं कैसे क्या करूँगा, सब अपने अपने बुन उधेड़ में लगे हुए हैं। और दोस्तों देखिए, होना भी चाहिए, क्योंकि हमें किसी की उम्मीदों पर खरा उतरना है। और फ्रेंड्स, इसी सीरीज़ में ही ये 2 से 3 वीडियो अभी आने वाली हैं, माता के जो जागरण होंगे, माता की जो चौकी होगी, नवरात्रि में जो प्रोग्राम्स होंगे, उन्हीं पे लेकर के मैं लाइव साउंड सेटअप की वीडियो लाऊंगा। अभी मैंने मिक्सर मैंने अपना खोल दिया है आप लोगों के लिए। और देखिए, इसमें 5-6 तरह से सेटअप लगाए जाते हैं, जागरण में अलग तरह से, चौकी में अलग तरह से, फिर और भी बड़ा सेटअप अगर है तो कोई अच्छा बड़ा प्रोग्राम है उसके लिए अलग से सेटअप। कैसे म्यूजिशियंस को हम मॉनिटर से संतुष्ट करेंगे, कैसे हम साइड फील के लिए क्या देंगे, फिर अगर प्रोग्राम में विसलिंग वगैरह है तो उसको कैसे रिमूव करेंगे, ये कई तरह की चीज़ें रहेंगी, एक ही वीडियो में कवर नहीं हो पाता है। दोस्तों इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा मैं कवर करूँगा और एक सिस्टम में बता के चलूँगा। देखिए ऐसे बिल्कुल ही अनजान सभी नहीं है, सबको पता ही है कि मैं जो अपनी हमारी जो भाषा है बोलने की, कि साइड फील किसको बोलते हैं, मॉनिटर आपको म्यूजिशंस के लेफ्ट राइट में देना है या फ्रंट में देना है या बैक में देना है, वो भी सभी समझते हैं। मैं बोलता रहूँगा मिक्सर पे, आप समझते जाना कि किसके लिए मैं ये आउटपुट दे रहा हूँ। और अगर आपने कोई भी फ्रंट से दिया है या बैक से दिया है सिंगर्स के लिए, कोई भी साइड फील दिया है और उसको विसलिंग अगर किसी पे आ रही है, 4-5 तरह का सिस्टम रहेगा, बताता हूँ। चलिए दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में, बिल्कुल भी स्किप नहीं करें दोस्तों, टाइम निकालें, वीडियो को तब देखें, स्किप ना करें। चलिए देखिए, बिल्कुल ही तरीके से आपको समझते जाना है। मैंने कैमरे को एक जगह पे स्टेबल कर दिया है, सभी आउटपुट को मैंने कैमरे में ले लिया है और कुछ इनपुट्स भी मैंने कैमरे में लिए हैं यहाँ तक। और हो सकता है, उम्मीद है कि आपको मैं यहीं से ही पूरा सिस्टम दिखा दूँ। आउटपुट पूरा मैंने ले लिया है इसमें, और कैसे हम इस मिक्सिंग कंसोल के साथ DD3 को कनेक्ट करेंगे, मैंने रख लिया है अपने पास DD3। और दोस्तों, DD3 के इफ़ेक्ट को OX1 या 2 किस में हमें सेंड करना है, किससे वापस लेना है, और उसका कितना लेवल सेट करेंगे सिंगर के लिए, एक सिंगर को अलाप की सेटिंग कैसे देंगे, ये इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। सबसे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ समझते चले जाना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप समझ लीजिए अपना आउटपुट। ये मैंने लीड निकाल ली है, आउटपुट कैसे लेना है। देखिए रेड कलर का जो क्लिप, जो ये रेड कलर का है लीड, ये मैंने स्टीरियो के अपने राइट में ले लिया है। ये इसका राइट का आउटपुट है, इसको 0 dB पे आपको ले जाके छोड़ देना है। फ्रेंड्स बिल्कुल बारीकी से समझते रहिएगा, बाद में आप लोग फिर कमेंट करते रहते हैं कि सर यहाँ पे हमें विसलिंग आती है, हमें ये होता है, हमें ये होता है, ये चला गया है आपके। अभी मैं बता दूंगा कि किसको आपको कहाँ पे लेना है, सिर्फ अभी तो आप आउटपुट समझिए। ब्लैक वाला आउटपुट ले लिया हमने लेफ्ट से, ये भी हमने छोड़ दिया है, अभी ऐसे छोड़ दीजिए इसको ऐसे। इसको भी सेम 0 dB पे आप लेवल को ले आइए। अब चलिए, ये जागरण की, उस तरह के जागरण की सेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ, जिस जागरण सेटअप में आपको लगभग 15 इंच का टॉप मॉनिटर प्लस आपको लगाना पड़ेगा 12 इंच। आप इसमें दो 12 इंच दो मॉनिटर प्लस दो टॉप, ये और 4 हॉर्न या 8 हॉर्न आप ऊपर लगा सकते हैं, ये उसका सेटिंग आप लोग देख लीजिए।
अब इस सेटिंग में क्या रहेगा, ये पूरा का पूरा सिस्टम अब मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये आपका लेफ्ट और राइट, ये दोनों आउटपुट जो हैं ये आप अपने पावर एम्पलीफायर में ले जाइए और एम्पलीफायर में इनपुट इसको कर दीजिएगा। इस एम्पलीफायर पे किस पे क्या जोड़ना है पूरा का पूरा डिटेल में आपको बता देता हूँ। और अब ये है ऑक्स टू, ये ऑक्स टू है, ऑक्स टू के इन में ये मैंने एक लगाया है लीड, आपके सामने ही सब कुछ कनेक्शन होगा। ये लीड यहाँ पे रखा है और DD3 आपको मैं खोल देता हूँ। दोस्तों ये मैंने DD3 भी निकाल दिया है और ये जो हमने DD इसके ऑक्स टू के जो ऑक्स टू का सेंड है उसमें हमने लगाया है, इसको लगाएंगे हम DD3 के इनपुट में। ये रहा केबल पूरा कंप्लीट, ये छोड़ दिया मैंने यहाँ। इसके लिए मैं उठाता हूँ फिर आपके एक केबल और मुझे इसके लिए चाहिए जो DD3 से आउटपुट होगा। ये DD3 का आउटपुट मैंने लिया है, इस DD3 के आउटपुट को एज इट इज ऑक्स टू का जो रिटर्न है उसमें लगा दिया और ये आपका कनेक्शन ऑक्स टू में रेडी हो गया है। ये अभी इसलिए स्टेबल कर दिया है कैमरा क्योंकि यहीं पे आपको सब कुछ देखना है। ये फेडर्स हमने 0 dB कर दिए हैं, यहाँ पे रख देता हूँ मैं DD3 को साइड में। अब ये आ गया है आपका DD3। अब चलिए दोस्तों, ये हुआ। अब देखिए जो ऑक्स वन से जो मैंने आउटपुट लिया है, ये वाला, ये जो ऑक्स वन से आउटपुट लिया है ये जाएगा आपके हॉर्न को, जो हॉर्न यूनिट आपने लगाई हैं उनको आप ले जा सकते हैं इसको। और प्लस इस DD3 को, ये तो जो मैंने सेटिंग बताई है ये सेटिंग वो है, अगर आपके पास एक ही DD3 है और पूरे मिक्सिंग कंसोल में आप इसको ले जाना चाहते हो तो ऑक्स टू पे ये हर माइक पे आपके इफ़ेक्ट आ चुका है यहाँ पे। अब अगर आप कहते हैं कि सर हमें 12 इंच भी चलाना है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको प्रॉपर दे दीजिएगा मेन सिंगर को और फिर रोलैंड को आप कनेक्ट कर लीजिएगा। रोलैंड को आप उसमें कनेक्ट करेंगे, रोलैंड में 3 माइक इनपुट होते हैं, वो कोरस के लिए आप ले लें और उनमें तीनों माइक इनपुट कर दें, उसका अलग अलग से रहता है पूरा का पूरा सिस्टम, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और दोस्तों ये आ गया है रोलैंड, देखिए इसमें एक माइक, दो माइक, तीन माइक, चार माइक, इसमें आप 4 माइक कोरस के अलग से लगा सकते हैं। और ये रहा इसका आउटपुट, आउटपुट सेक्शन यहाँ से ले जा करके आप आउटपुट सीधे इसमें दे सकते हैं। अब इसमें आप अपने कोरस को कैसे सेट करेंगे, आप इसमें सीधे सीधे 4 माइक इसमें इन कर दीजिए, आपके पास 3 कोरस हैं तो 3 को दे दीजिए, 4 है तो 4 को दे दीजिए। सभी माइक्स का पर्टिकुलर वॉल्यूम आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये 1 का, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, सबका आ गया। और सबका जो इफ़ेक्ट है वो भी आप यहाँ से सेट कर देंगे, ये वॉल्यूम है जो आप इफ़ेक्ट लगाएंगे ये उनका वॉल्यूम है। और ये यहाँ से कितना रिपीट आपको रखना है, स्पीड कितनी रखनी है, और ये जो आपने तीनों इफ़ेक्ट लगाए हैं इनको कितना फाइन ट्यून करना है वो यहाँ से होगा। और आउटपुट ले जा करके यहाँ से सीधा आप मिक्सर में दे सकते हैं। ये रहा आपका सेट। जब आप रोलैंड को लगा देंगे तब आपको क्या करना है, सीधे माइक इनपुट इसमें देना है और आपका ये ऑक्स टू फ्री हो जाएगा। इसको फ्री करने का कुछ कारण है, अभी आपको वीडियो में बता रहा हूँ। और ये इसमें सीधे माइक इन हो चुका है, ये मान लीजिए ये यहाँ से निकाल दिया हमने, मेन सिंगर का माइक इसमें डाल दीजिए और यहाँ से आउटपुट लेकर के इसको आप माइक में इन कर दीजिएगा। अब ये हुआ आपका मेन सिंगर का माइक्रोफोन, यहाँ पे हमने लगा दिया है और ये DD3 के साथ कनेक्ट है। ये इसका देखिए, ये पूरा इसका लीड है, इसको मैं अब साइड में कर दूंगा। ये जो इनपुट है ये आपका माइक्रोफोन है। अब चलो दोस्तों, ये लग चुका है, अब आपके पास ऑक्स टू हो चुका है फ्री। अब ले जाइए कनेक्शन ऑक्स टू से। देखिए ऑक्स टू से कैसे कनेक्शन ले जाना है, ऑक्स टू का जो आउटपुट है वो आपको आउट कर लेना है यहाँ से। ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ, कुछ लोगों के मेरे पास
कमेंट आएंगे कि सर यहाँ से आउटपुट नहीं लेते हम, यहाँ से आउट लेते हैं, यहाँ से लेते हैं, यहाँ से लेते हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ आउटपुट ये है, यहाँ से आप आउटपुट ले लेंगे, ये आउटपुट हो गया ऑक्सिलरी का, दोनों आउटपुट हो गए, ये दोनों लेफ्ट और राइट हो गए। इन दोनों लेफ्ट राइट में आपको क्या करना है, इसमें तो आप अपना जो भी आप 15 इंच का आप अपना स्पीकर चलाएंगे, थोड़ा सा घुमा देता हूँ, जो भी आप अपना 12 15 इंच का जो स्पीकर है आपका टॉप है, उस वाले एम्पलीफायर में इसको इनपुट कर दीजिए, ठीक है। इसमें आपके चार टॉप भी लग सकते हैं, दो भी लग सकते हैं, जो आप चारों तरफ जो पंडाल लगा होगा उसके चारों तरफ जो आप टॉप लगाएंगे साइड फील के लिए फ्रंट और बैक, वो यहाँ पे आउटपुट ले लीजिए। और लेफ्ट से ले लीजिए आप मोनीटर्स के लिए, जो मोनीटर आप दे रहे हैं 500 प्लस 500 वाट का जिसमें स्पीकर लगा हो, ये 600 वाट का स्पीकर लगा हो फॉर म्यूजिशन। और ये ले गए हैं जो हम जो दो नंबर का जो हमने आउटपुट लिया है ऑक्स से, ये हमारा 12 इंच को जाएगा और ये हमारा ऊपर जो हॉर्न लगाए हैं हमने, जोंगे लगाए हैं, ये उनके लिए चला गया। अब ये पूरा आउटपुट सेक्शन आपने समझ लिया है। तो फ्रेंड्स अब बचा क्या है इसमें, अब देखिए, अब आ जाता हूँ लेकर के आपको। ये यहाँ पे टेस्टिंग आपकी हो गई है DD3 का। एक बार आप सेटिंग देख लीजिए कि जब वो सिंगर, कोई भी सिंगर जब नॉर्मल भाषा में बात करता है तो कहाँ पे रहेगा, ये देख लीजिए, इन बटन्स का खेल समझ लीजिए थोड़ा सा। फ्रेंड्स यूट्यूब पर कभी आप लोगों को ये नहीं बताया गया कि सभी बता देते हैं यहाँ पे रियर फीडबैक, यहाँ पे डिले टाइम यहाँ पे रखना है और ये लेवल यहाँ पे रखना है, सभी बताते हैं, मगर ये कभी नहीं बताया गया कि ये जो लेवल है ये काम क्या करता है। एक्चुअली देखिए दोस्तों, आपने मान लीजिए 200 मिली सेकेंड पर इसको रख लिया है, आपने जो जो भी आपका मोड है आपने 200 मिली सेकेंड पर रखा है, और ये जो इसका टाइम है डिले टाइम आपने फुल से हल्का सा 90% आप इसको खोल दीजिए। 90% खोलने के बाद जो फीडबैक है, फीडबैक को आप इसके 40-45% आप इसको खोल लीजिए। और फिर जो लेवल है ये क्या काम करेगा, अब ये लेवल पे इन जो बटनों में आपने जो कलाकारी की है इनको कितना लेवल चाहिए, कितना इनका वॉल्यूम, एक तरह से वॉल्यूम मान लीजिए, एक तो रिवर्ब प्लस डिले दोनों को ये इंक्रीज करेगा, ये इसका मेन काम होता है। और दोस्तों अब देखिए इसको सेटिंग यहाँ पे लगा लीजिए, आप समझ गए होंगे, मैं बार बार इसको घुमा के दिखा देता हूँ, ऐसे आप समझ लीजिए पूरा दिख रहा है। मोड रखेंगे 200 मिली सेकेंड पर, डिले टाइम रखेंगे 90% और फीडबैक रखेंगे 45% और 50% रखेंगे इसका लेवल। अब ये काम कैसे करेगा, अभी ये काम देख लीजिए कैसे करेगा। और ये हमारा माइक, मेन माइक हुआ, मेन माइक वाले सिंगर ने जैसे ही कोई भी जयकारा या कुछ भी लगाया है तो आपको सीधे इसको यहाँ पे ले आना है 800 पे और तुरंत इसको 200 पे कर देना है। इसका इफ़ेक्ट आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अब दोस्तों ये जो आउटपुट लिया है इसमें इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे डालेंगे, कैसे इंस्ट्रूमेंट्स आपका नंबर एक बजे, कैसे उसमें विसिल ना आए, ये पूरा का पूरा डिटेल इस वीडियो में अब आप लोगों को मैं देने जा रहा हूँ। बिना स्किप किए देखते जाइए, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। अब दोस्तों ये मेन सिंगर का माइक मैं कर देता हूँ और इधर ये तो चला गया है इधर, अब आ जाइए आप, ये लगाया है आपने अपना ढोलक की चाटी, याद रखते रहना दोस्तों कि मैं कहाँ पे क्या लगा रहा हूँ। और देखिए बेस को मैं अक्सर यहाँ पे यूज करता हूँ इस वाले पिन में, लाइन में, ठीक है, आप भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं, ज़्यादा सेंसिटिव यहाँ पे होता है, ठीक है। इसका भी वीडियो में मैंने बता रखा है कि यहाँ पे कितना ओम्स होता है, यहाँ पे कितना ओम्स होता है, ये माइक प्री एम्प है। अब आ जाइएगा दोस्तों, फिर एक इसी तरह का माइक्रोफोन होता है हमारा जो, और ढोल का जो आप सेटिंग लगाएंगे ढोल के लिए, जो ये अभी मैंने ढोलक के लिए लगा दिया है माइक्रोफोन, अब ढोल के लिए जो आप सेटिंग लगाएंगे
सभी को लाइन इन में लगा दो। ये इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको विसलिंग कम से कम मिले और सेटिंग भी ज़बरदस्त आएगी। ये ढोलक का बेस हो गया, ये चांटी हो गया, ये बेस हो गया, ये ढोलक का चांटी, ये बेस। अभी सेटिंग कैसे करेंगे पूरी की पूरी डिटेल दिखाऊंगा। और मैं कैमरे को थोड़ा सा और ऐसे कर देता हूँ ताकि पूरा ये आउटपुट तो आपने देख लिया है, अब इनपुट कैसे हो रहा है पूरा इनपुट आप चेक कर लीजिएगा। अब चलिएगा दोस्तों, आ जाइएगा नेक्स्ट। और क्या जुड़ता है इसमें, और जुड़ता है हमारा इसमें ये आ गई है लीड। इसको सरवार देता हूँ थोड़ा सा, ये लीड आ गया है आपका ऑर्गन का। ठीक है दोस्तों, इसको हमेशा लाइन इन में ही देना है। और ये लीड आ गया है आपका रेड वाला, ये आपका पैड का आ गया है। अब देखिए दोस्तों, इतना इंस्ट्रूमेंट लग चुका है, इससे ज़्यादा जागरण में, छोटे जागरण में इससे ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है जहाँ तक मेरा आइडिया है। लगभग सभी के पास यही इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अब है खेल समझने का, इसमें लेफ्ट और राइट का खेल रहेगा। ऑक्सिलरी हमारी व्यस्त हो चुकी हैं कहाँ, ये पूरा का पूरा सिस्टम देख लीजिए। अब पूरी पूरी ये आउटपुट और इनपुट पूरा अभी कैमरे में मैं ले लेता हूँ एक बार। देखिए पूरा आ चुका है दोस्तों, इनपुट भी और आउटपुट भी दोनों कैमरे में आ चुके हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं, एक बार आपको दोबारा से कंफर्म कर देता हूँ, इस लीड को इधर करता हूँ। देखिए ये जो रेड वाला है, ये आपके जो पंडाल लगा है, जो आपका पंडाल लगा है, मान लीजिए ये ऐसे आपका चकोर पंडाल लगा है, ये माता रानी का यहाँ पे दरबार लगा है। एक टॉप यहाँ पे लगाया आपने, एक टॉप यहाँ पे लगाया, एक टॉप यहाँ पे लगाया, एक टॉप यहाँ पे लगाया, और ये सेंटर में आपका आपका सिंगर सेंटर में है, म्यूजिशंस आपके ये बैठे हुए हैं यहाँ पे। और आपने एक टॉप इनके यहाँ पे दे दिया है, एक यहाँ पे दे दिया है, दो टॉप आपने इधर दे दिए हैं। अब इन टॉप्स का मुंह आप माता रानी के पंडाल की तरफ करेंगे और इन टॉप्स का मुंह म्यूजिशंस के साइड में रखेंगे, और इनका भी जो पंडाल की तरफ, जो पंडाल में जा रही है आवाज़, उसके लिए रखेंगे। इसके ही बगल में आपको एक 12 इंच यहाँ पे, एक 12 इंच यहाँ पे माता रानी के दरबार पे ही लगा लेना है। प्लस ये जो म्यूजिशंस बैठे हैं आपके, इन म्यूजिशंस के लिए आप लोग बैक साइड से, पीछे से इनके दो मोनिटर 500 या 600 वाट का स्पीकर जिसमें लगा हो आप ऐसे दे देंगे, तो आपको कभी कभी विसिल का प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि कुछ म्यूजिशंस भी सिंगिंग करते हैं। इसलिए हम ज़्यादातर फ्रंट में ही, म्यूजिशंस के फ्रंट में ही अपना मोनिटर्स को प्लेस करते हैं सबसे ज़्यादा, ताकि इसको ऐसे ऑडियो मिले। और इसको जो ऑडियो आए, प्लस इसका जो माइक्रोफोन है वो ऐसे रहेगा अगर ये सिंगिंग भी करता है। दूसरी बात, आपका जो इधर सिंगर गा रहा है उसके पास इसका इफेक्ट भी नहीं जाएगा। वैसे तो हल्का सा आप इसको टेपर कर देंगे ऐसे, और ऐसे लगाएंगे अगर मॉनिटर को, ऐसे और ऐसे दोनों को इतने एंगल पे लगाएंगे तो ये काट देगा। अब ये क्यों बोला है मैंने, क्योंकि म्यूजिशंस को बहुत ज़्यादा, मेरे सभी साउंड सिस्टम, बड़े बड़े साउंड सिस्टम वालों का यही अनुभव है कि म्यूजिशन जो होते हैं उनको हमेशा हाई लेवल का साउंड चाहिए, नहीं तो वो आपको पूरे जागरण में सताते रहेंगे। कोई कहेगा थोड़ा सा और, फिर चांटी के लिए बोलेगा यार थोड़ा सा और, बेज के लिए कहेगा हल्का सा और, ऑर्गन वाला कहेगा फिर मेरी ऑर्गन दब गई है, पैड वाला कहेगा चांटी ज़्यादा हो गई है, मेरी छन दब गई है। इस झंझट से निपटने के लिए आपको इधर प्लेसमेंट देना बहुत अच्छा होता है, ताकि आपका सिस्टम बचा रहे। अब ये तो हो गया आपका स्टेज, आपने कवर कर लिया है, ये आपने इधर मोड़ दिया, ये भी इधर मोड़ दिया, और लगभग बहुत ही ज़बरदस्त ये बजेगा सेटअप। यहीं से ही आप लूपिंग करके दो टॉप और जो मैंने बताया है चारों तरफ जो आपने लगाया, ये भी इधर मोड़ा है, इनको इधर मोड़ दिया, ये जो इधर से आपने मोड़ा है यहीं पे ही आप एक टॉप इधर, एक टॉप इधर, बाकी पंडाल के लिए छोड़ दें। और ये आउटपुट का खेल मैंने आपको बता दिया, इस आउटपुट पे जो आपने मॉनिटर्स लगाए हैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वालों के लिए, वो दोनों मॉनिटर्स के लिए आप यहाँ से लेफ्ट से आउटपुट ले लिया, और ये चला गया है आपके 12 इंच को, जो 12 इंच आपने यहाँ लगाए हैं सिंगर्स के लिए,
और प्लस ये जो आपने लिया है हॉर्न यूनिट, ये आपका ऊपर चला गया है जहाँ पे आपने लगाया। अब इन चारों आउटपुट में आपको खेल करना होता है यहाँ पे, और अगर आपने यहाँ से सिग्नल को सही से राउट कर दिया तो आपका जागरण पास हो जाएगा और आपका सिस्टम भी पास हो जाएगा और आप बहुत ही अच्छी तरह से आ जाएंगे। फटाफट समझ लीजिए दोस्तों, दोनों लेवल मैं अपने कैमरे में ले लेता हूँ। देखिए ये राइट है ये लेफ्ट है, दोनों लेवल्स 0 dB कर लीजिए। अब यहाँ पे भी इनका जो लेवल है वो भी अभी आपका सेंटर में आप कर लीजिएगा। लेफ्ट राइट पैनिंग इनकी यहीं पे रहने दें। अब शुरू हो जाइए ढोलक की चांटी से। ढोलक की चांटी का गेन रख लीजिए आप 40%, और इसको भी रख लीजिए आप 40%, हाई को और मिड को रख लीजिए 40%, और बेस इसका बिल्कुल ज़ीरो करके ले जाइएगा आप 20% के आसपास या 10%। और देखिए अब आ गई है ये चांटी, ये चांटी आपको यहाँ से राउटिंग शुरू हो जाती है 1, 2, 3, इन तीनों में ही आपको बटनों में हर सिग्नल का खेल करना है। हर सिग्नल का खेल अगर आप समझ गए तो ये आउटपुट आपका बिल्कुल क्लियर बजेगा, ये मेरी गारंटी है। आपको विसलिंग भी नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसे करना है समझिए, ये चांटी आई है, ये चांटी ऑक्स 1, ऑक्स 1 में क्या लगाया हमारा हॉर्न, ऑक्स 1 में हॉर्न जब हमने लगाया है तो चांटी हमारा ऑक्स 1 में हमें 100% चाहिए, इसको हमने खोल दिया है 50%, ये यहाँ पे हमें चाहिए। अब चांटी ढोलक की चांटी हमें मॉनिटर में भी चाहिए क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट वालों के लिए हमने लगाया है। ये समझ लीजिए 1, 2, 3 और ये 4, ये चारों ये 5 इंस्ट्रूमेंट वाले ही बैठे हैं, इनको अभी आप यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाला समझिए। इनके पीछे जो लगाया है हमने, जो हमने 12 इंच लगाया है उसमें ढोलक का फीडबैक जाए, कितना जाए, हल्का जाए, ताकि विसलिंग कम से कम हो जब सिंगर यहाँ पे गाए। हमको 12 इंच में यहाँ पे हमने कम डाल दिया है चांटी को। और देखिए ये लेफ्ट और राइट, ये लेफ्ट और राइट जो आउटपुट है दोनों, इनमें बराबर जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। मोनिटर्स में भी फुल आए चांटी, और आपका जो टॉप लगा है 15 इंच का सब में जाए। आ जाइए बेस पे, ये ढोलक की बेस है, ढोलक की बेस को आप खोल लीजिए 50%, क्योंकि ये लाइन इन में हमने दिया है 50% के आसपास आप इसको खोल लीजिए, और इसका चांटी का ये हाई कर दीजिए 0, मिड बिल्कुल 0 ले जाके 10% खोल लीजिए, और बेस को कर दीजिए आप 45%। यहाँ से आगे आपको ज़रूरत लगेगी तभी आप डालना। अब आ जाता है फिर राउटिंग, राउटिंग कैसे करना है। इस बेस को हमें ऑक्स नंबर 1 में नहीं ले जाना है, ऑक्स नंबर 1 में नहीं ले जाना है, तो ऑक्स नंबर 1 को कर दिया हमने 0। देखिए चांटी हम ले गए हैं, बेस नहीं ले जाएंगे हॉर्न में। अब इसको बेस को 2 नंबर में हमारा क्या है, 2 नंबर में हमारा लगा है 12 इंच। 12 इंच में हम चाहते हैं कि थोड़ा हल्का सा बेस जाए, तो हल्का सा हमने इसको खोल दिया, जैसे हल्का सा चांटी खोला है हल्का ही उसमें हमने ये डाल दिया है। अब आ जाइएगा लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट में ये प्रॉपर जाए, फुल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे ये हमने लेफ्ट में लिया है बेस, लेफ्ट में लिया है, और आपके मोनीटर आपके ज़बरदस्त हैं, फाड़ू मोनीटर आपने बनाए हैं इंस्ट्रूमेंट वालों के लिए, तो आप क्या करेंगे ताकि वो और ज़्यादा आपसे बेस ना मांगे, बोलेगा नहीं कर दो कर दो। तो जो आपने स्पेशल मोनीटर इनके लिए रखे हैं, इसमें आप एक खेल कर सकते हैं कि आपने लेफ्ट में लगाया है तो आप इसको लेफ़्ट में ज़्यादा खोल देंगे हल्का सा, मतलब 40% तो ये लेफ्ट राइट में जाएगा, 40% तो जाएगा ये राइट में, और लेफ्ट में जाएगा ये आपका 60%। कुछ ऐसा तालमेल बनाइए कि इससे 4-5 dB, ये 4-5% ऊपर रहे, तो आपके जो मॉनिटर्स हैं वो बेस खोलने नहीं देंगे, फिर उसको बोलेंगे कि बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। अब चलिए ढोलक, ढोलक समझ गए, अब ढोल समझ लीजिए। ढोल को भी सेम बिल्कुल जैसे हमने ढोलक को सेट किया है, सेम ढोलक ढोल को भी आप सेट कर दें बिल्कुल परफेक्ट, ऐसे ही इसका राउटिंग ले लें। अब आ गया है आपका ऑर्गन, ऑर्गन वाला लाइन इनमें है 45-50% के आसपास खोल दीजिए, हाई इसका 45%, मिड भी इसका 45%, और बेस ज़रूर दीजिएगा ऑर्गन वाले को 40% के आसपास, और इसकी राउटिंग ले जाइएगा आप ऊपर भी ले जाएं, हॉर्न में भी ले जाएं, आप इसको 12 इंच में भी ले जाएं,
बढ़िया तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 इंच से बहुत अच्छा शार्प आएगा, मिड आएगा, और ये लेफ्ट राइट में भी इसको फुल ले जाएं। ऑर्गन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्गन को ऑक्सिलरी वन में हल्का खोलें, नहीं तो ये आपके पत्ते उड़ा देगा, आपकी है उनको उड़ा देगा, आपके जो जोंगे लगे हैं उनको उड़ा देगा। अब पैड पे आ जाइए, पैड आ गया है लास्ट ऑप्शन। पैड पे आपको 50% खोल देना है, लाइन इन में लगाया है। सभी चीज़ें ऐसे ही सेम रख लीजिएगा, बेस ट्रेबल जैसे है। इसको ऑक्सिलरी से काट दीजिएगा क्योंकि इसमें हमें बेस नहीं चाहिए पैड का, और इसको ऑक्स टू में फुल खोल दीजिएगा। 50% से भी एक्स्ट्रा आप खोल देंगे, मोनिटर्स आपके पावरफुल होने चाहिए, तब आपके ऑक्स टू में मोनिटर में ये धड़ाधड़ बजेगा, वो बोलेगा बिल्कुल सही है। और लेफ्ट राइट में इसको जाने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बाकी लास्ट फाइनल बचा है, इनको भी 0 dB आप सेट कर दें। अब 0 dB आपने सेट कर लिया है, अब हमारे मेरे कुछ फ्रेंड्स क्या गलती करते हैं, बहुत बड़ी गलती ये होती है कि देखिए इस सिस्टम में आपने ये पूरी सेटिंग लगा दी है ऐसे। अब कोई बोलेगा आपको कि मेरा वॉल्यूम अप कर दो, मुझे आवाज़ कम आ रही है, और आप बोलेंगे कि सर ने तो बताया है कि सबको 0 dB सेट कर दिया है, कर देना है। देखिए दोस्तों, आपको फिर कभी भी अपना गेन नहीं छेड़ना है, जो आपने एक बार सेट यहाँ पे किया है, बहुत रेयर केस में ही गेन पे जाएं। सबसे पहले किसी भी सिग्नल को आप फेडर से ही पूरा करने की कोशिश करें, भले वो फेडर आपका फुल हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गेन मत छेड़िएगा। पहले फेडर को आप पूरा ले लें जहाँ तक आपको लगे, और ख़ास करके इन सिग्नल्स का ध्यान रखें, 0 dB से ऊपर सिग्नल बहुत कम जाए, पीक लेवल पे ना जाए। अब इसमें वीडियो बहुत लंबा हो चुका है दोस्तों, और इसमें बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं, जैसे ये पीक लेवल कैसे नहीं जाएगा, फिर एम्पलीफायर का वॉल्यूम कहाँ रखें, ये पूरी डिटेल के लिए नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, और भी 3-4 वीडियो आएंगी, बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा आपको। ये सेटअप था छोटा सेटअप, बड़े सेटअप अगर आपको देखने हैं, लाइव देखना है सिस्टम को, तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।